Assalamu alaikum. Hello students, hope you have done your yesterday's lesson. Now we are going to our 15th lesson. Join me please. Now open the page number 46. सब्जेक्ट है इंग्लिश का. ट्रेस एंड राइट द अल्फ़ाबेट्स ए टू एफ़. के ए से एफ तक आपने ट्रेस करना है और उसकी सेल्फ राइटिंग भी करनी है. सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे टॉप टू द बॉटम. फर्स्ट ऑल वी ट्रेस द कैपिटल ए. नाउ वी ट्रेस द स्मॉल ए. नेक्स्ट वी ट्रेस द कैपिटल बी and trace the small b. third letter है c. c k ना small c. d d the duck. now trace the small d. now fifth letter is e. e की sound है e a. E, F. Now F, F. A, A, B, B, C, K, D, D, E, A, F, F. Now self-writing. Top to the bottom, make a three dots and the top to the bottom and the other side and make a cross between. Turn and one. B could be stern two dots. Make a line top to the bottom of girl and second girl. Top to the bottom and mid se hum box banayenge B. Now capital C, two dots. And small C ke liye mid ki two lines se two dots lenge. Is tarah D. Straight line and make a curve top to the bottom. And the small d, straight line and left side से कर लेंगे mid से. Now self writing e, top to the bottom straight line, top से mid से straight line and bottom से इस तरह small e. Now two dots, straight line top to the bottom, straight line top and mid से half and इस तरह F. Now complete this task by yourself with the help of your parents. Week third day, Friday, 3rd July. Now next page is 47. Subject से math. Trace and write the number 1, 2, 6. सबसे पहले आपने 1, 2, 6 तक trace करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One के लिए two dots. 1, 2 के लिए four dots. 2, 3 के लिए three dots. 3, 4 के लिए 5 डॉट्स. 4 स्ट्रीट फ्लोर एंड गर्ल. 5, 6. नाउ कंप्लीट दिस टास्क बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. वीक थर्ड, फ्राइडे, 3rd जुलाई. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 48. सब्जेक्ट है उर्दू. हरूफ अलिफ ता से लिखें. आपने इस तरह लिखना है अलिफ. ट्रेस करना है. सबसे पहले निकात पे लिखना है बे. पे ते. इसी तरह खुद आजमाई करनी है अलिफ. बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन डॉट्स. आपने कंप्लीट करना है पेज. वीक थर्ड, फ्राइडे, 3rd जुलाई. जी की क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू रीड. आई रीड इन नर्सरी क्लास. डिड यू नो प्लांट्स गेट वाटर थ्रू देयर रूट्स. ईपीएल क्वेश्चन है वाटरिंग अ प्लांट. म्यूजिक है रोली पोली.
Now next page is 49. Subject has science. Plants need water. Look at the plants below. Draw the line to show which plant have enough water. कि आपको नीचे पिक दी गई हैं, हमने ये लास्ट रिव्यू किया था कि आप पिक दी गई हैं किसमें वाटर की ज़रूरत है और किसमें नहीं है. जो फ्रेश होगा फ्लावर उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी. जो मुरझाए होंगे, जो डल से होंगे, तो उनको पानी की ज़रूरत होगी. नाउ फर्स्ट पिक है, देखें आपको फ्रेश लग रहा है? नो. तो इसको क्या है? पानी नहीं है, नॉट इनफ वाटर. इसको मैच करेंगे नॉट इनफ वाटर के साथ. नेक्स्ट है हमारी पिक, ये देखें फ्रेश है, टू फ्लावर भी निकले हैं, तो क्या है? इनफ वाटर है. नाउ थर्ड पिक, देखें इस पर फ्लावर निकला ही नहीं है, तो इसको क्या है? पानी की ज़रूरत है. तो इसमें नॉट इनफ वाटर है. नॉट इनफ वाटर के ब्लॉक के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट है, देखें फ्लावर निकले हैं, उसके लीव भी हैं, तो क्या है? फ्रेश लग रहा है. तो इसको क्या है? इनफ वाटर है कि इसको पानी मिल रहा है साथ साथ. नेक्स्ट पिक भी इसी तरह है कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, इनफ वाटर है. लास्ट में देखें बिल्कुल मुरझाया हुआ है, इसमें पानी की ज़रूरत है, तब ये ग्रो करेगा, फ्रेश लगेगा. तो इसमें नॉट इनफ वाटर, तो इसमें पानी की ज़रूरत है. वीक थर्ड डे फ्राइडे 3 जुलाई, इस्लामियात, खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह. जी सी क्वेश्चन है, व्हेन यू आर लीविंग से अल्लाह हाफिज़. ई पेल क्वेश्चन है, वाटरिंग अ प्लांट. Hope you have enjoyed your lesson throughout the week. Have a nice weekend ahead.